हेलो फ्रांस, कैसे हैं आप? बढ़िया, मस्त रहिए और एंटरटेनमेंट का मज़ा लेते रहिए। कई कहानियाँ आप सुनते हैं, कई एक्टर्स को अवार्ड मिलते हैं और कई अवार्ड्स जो हैं यादगार बन जाते हैं। ऐसे में मैं बात करने वाली हूँ स्टार परिवार अवार्ड की, जिसको जो है बहुत ज़्यादा सर्चिंग पकड़े हुए है। लगातार स्टार प्लस के शो ट्विटर पे ट्रेंड है। ये रिश्ता क्या कहलाता है, जनक, फहमान खान, अनुपमा, और इनके रीज़न भी अलग अलग हैं। एक अवार्ड को लेकर भी, जैसे अनुपमा लीप आने वाला है, जनक में गलत फहमियाँ दूर हो रही हैं, या फिर आपका जो है बेस्ट जोड़ी का अवार्ड मिला है। ऐसे ही फहमान खान सरदार लुक में नज़र आए और उसी में ही अवार्ड की लिस्ट में भी गिने गए। अब बात आती है ये रिश्ता क्या कहलाता है। अभी ईवान की शादी हो गई, रूही को समझ आ जाना चाहिए, तो कहीं ना कहीं अपनी एक वजह से भी ट्विटर पे ट्रेंड है और स्पेशली अवार्ड को लेकर भी ट्विटर पे ट्रेंड है। तो ऐसे में मैं बात करने वाली हूँ यहाँ पे फहमान खान की, जिन्होंने फिर से स्टार प्लस पे कदम रखा है, अपने नए शो रब रखा है। ऐसे में जो है स्टार परिवार अवार्ड जो है वो पूरे परिवारों के लिए होता है, जहाँ पे हर चैनल को इनवाइट भी किया जाता है, फिर चाहे वो सोनी हो, कलर हो, जी हो, लेकिन शायद इस बार जी इंक्लूड नहीं होगा। आई डोंट नो, कंफर्म पूरा नहीं है, लेकिन न्यूज़ वायरल हो रही है। ऐसे में सोनी के सदस्य भी देखे जाएंगे, कलर्स के भी देखे जाएंगे। अब उससे बड़ी बात है कि जैसे जी टी वी जब अवार्ड देता है एक अलग से बेस्ट शो का अवार्ड, हमेशा अनुपमा शो को देता हुआ नज़र आया है, लेकिन इस बार उसने बेस्ट शो का अवार्ड शिव शक्ति तप त्याग और तांडव को दिया था, अगर आपने जी के अवार्ड देखे होंगे। लेकिन ये बात हम लाइव में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वरना तो वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी। यहाँ पे मैं बात करने वाली हूँ फहमान खान की। कुछ अवार्ड स्टार परिवार अवार्ड में जो दिए गए हैं वो वैसे दिए गए हैं जो नॉमिनेशन में भी नहीं थे। एज ए एग्ज़ाम्पल माटी से बंधी डोर किसी भी नॉमिनेशन में नहीं थे, या फिर जो अवार्ड आपको सुनने में आए हैं स्टार ने दिए हैं, वो चाहे आपके ये रिश्ता को दिए हैं, अनुपमा को दिए हैं, या अदर शो को दिए हैं, जैसे उड़ने की आशा को, तो मज़ेदार जो एक करेक्टर का, तो ऐसे में जो है करेक्टर का नाम चलो उस पर शूट हो जाता है, लेकिन कुछ अवार्ड मुझे ऐसे लगे हैं कि वो नॉमिनेशन में थे ही नहीं, वो एक अलग से दिए गए हैं। अगर नॉमिनेशन की बात करें तो बेस्ट जोड़ी, बेस्ट शो, बेटी बहन, सास ज़्यादा नहीं थे कैटेगरी में, कम ही रखे थे, लेकिन उसके हिसाब से बेस्ट परिवार इस तरह के रखे थे। अब जैसे रितुजा को इंस्टाग्राम स्टोरी के लिए दिया गया, अंकित को जो है स्टाइलिश के लिए दिया गया, तो ये जो नॉमिनेशन में थे नहीं, तो मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ कि हो सकता है कई अवार्ड ऐसे होते हैं जो अपनी तरफ से भी दिए जाते हैं, इवेंट काफ़ी बड़ा होता है, तो ऐसे में हो सकता है जी के वो कलर के या फिर सोनी को भी अवार्ड दिया जाए। उसी के बीच में फहमान खान की भी न्यूज़ आ रही है कि फहमान खान को भी शायद बेस्ट ट्रेंडिंग का अवार्ड दिया जाएगा, क्योंकि इतना पता है कि अवार्ड उनको मिला है। बट जो है मेरा एक आइडिया है कि बेस्ट ट्रेंडिंग का, क्योंकि अभी तो शो शुरू हुआ है, तो उसमें भी कुछ कहना मुश्किल होगा कि किस चीज़ का अवार्ड जो है जाएगा, लेकिन बेस्ट ट्रेंडिंग का, जैसे रितुजा को बेस्ट इंस्टाग्राम स्टोरी का दिया गया है, तो वैसे ही फहमान खान को भी जो है बेस्ट ट्रेंडिंग का दिया जाएगा, क्योंकि लगातार वो ट्विटर पर ट्रेंडिंग में रहे हैं। तो ऐसे में आपकी क्या राय है, अगर आपको पता चला है विनर लिस्ट के बारे में, आपने देख ली है, तो आप कितने एक्साइटेड हुए हैं, या फिर आपको अवार्ड फंक्शन देखने का कितना एक्साइटेड है, या जिनके हाथों में ट्रॉफी गई है उनके लिए आप कितने खुश हैं या ना खुश हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाकी जानकारी के लिए डियर लाइक सब्सक्राइब दोनों बनता है।